जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। यूसी लाइव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कल की क्लास में देखा था और वो ये देखा था कि भाई हमने भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदुओं को देख लिया था। इसको देखने के बाद में जो है थोड़ी बहुत चर्चाएं भी कर ली, लिख भी लिया और आज जो है हम उससे थोड़ा सा आगे चलने वाले हैं। आगे कहाँ चलने वाले हैं तो ध्यान से देखो भाई, हमने ये देख लिया था इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहाँ से निकलती है, कितने स्टेट कवर करती है और साथ ही के साथ ये देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से निकलती है, कौन से ऐसे दो स्टेट हैं जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड लाइन दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है, भाई एक दूसरे को काटती है। अब बात करते हैं अपने किसकी, अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल बाउंड्री की। किसकी बात करते हैं? टेरेस्ट्रियल बाउंड्री की। हमने एरिया देख लिया, हमने लंबाई देख ली, अब ये देखते हैं भाई इंडिया की टोटल बाउंड्री कितनी है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन टेरेस्ट्रियल बाउंड्री जो कि कुछ इस तरह, देखो यहां से शुरू होती है, यहाँ देखो ध्यान से, जो कि इस तरह यहाँ से शुरू होती है और इस तरह यहाँ से शुरू होती 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 होती, यहाँ देखो ध्यान से कि हम क्या नेपाल को भी साथ लपेट रहे, नहीं बेचारा, यहाँ देखो फिर इस तरह से होती हुई ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या कहलाती है? टेरेस्ट्रियल बाउंड्री। क्या कहलाती है? टेरेस्ट्रियल बाउंड्री। चलो यहीं तक, ठीक है, ये बाउंड्री क्या कहलाती है? टेरेस्ट्रियल बाउंड्री कहलाती है। और ये बाउंड्री टोटल कितनी है? ये बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसके बाद बात करें तो दूसरी आती है, वो बाउंड्री आती है कोस्टल, कि भाई इंडिया जो है ये कितनी कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है, यानी जलीय सीमा कितनी शेयर करता है। तो ध्यान से देखो, ये यहां से शुरू होता है गुजरात वाला इलाका और फिर ये इस तरह, ठीक है, ये क्या है? ये है आपकी कोस्टल बाउंड्री जो कि कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब यही ध्यान से देखो, यहां पड़ता है ये जो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स नजर आ रहा है, इसको कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। ये कितने ग्रुप? 36 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का समूह है? 36। देर आर 36 आइलैंड्स और 36 आइलैंड्स का ग्रुप ये क्या कहलाता है? लक्षद्वीप। इसकी भी तो ये देखो बाहरी लाइन है, ये भी तो बाउंड्री बना रहा होगा ना कुछ ना कुछ। और यहाँ पड़ता है अंडमान निकोबार आइलैंड। क्या पड़ता है? अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इसकी भी बाउंड्री होगी? हाँ सर बिल्कुल होगी। तो ये बाउंड्री प्लस इन दोनों की बाउंड्री, ये टोटल मिलाकर कितनी होती है? 7516.4 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। बात समझ गए? ये बाउंड्री है कौन सी? ये वाली। ये बाउंड्री प्लस ये बाउंड्री दोनों जोड़ते हैं तब कितनी आती है? 7516। जबकि खाली अब इसी बाउंड्री को जोड़ते हैं, इन दोनों बाउंड्रियों को छोड़ देते हैं, तब कितनी आती है? 6100 किलोमीटर। अब भारत के कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं? तो ध्यान से देखो, भारत के कितने राज्य जलीय सीमा बना रहे हैं? पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो टोटल 9 स्टेट हैं ऐसे जो इंडिया की कैसी सीमा बना रहे हैं? कोस्टल बाउंड्री बना रहे हैं या तटीय सीमा बना रहे हैं? तटीय या कोस्टल बाउंड्री बना रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पर ध्यान से देखो, 5 ऐसे हैं राज्य भारत के, 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाते, ना तो ये सीमा बनाते जो कि जलीय और ना ये स्थलीय सीमा बनाते हैं, मतलब ये आपके इंटरलॉक के अंदर वाले हैं, ठीक है। कहने का मतलब भारत के वे राज्य जो कि लैंड लॉक्ड हैं। कैसे हैं? लैंड लॉक्ड। तो लैंड लॉक कितने हैं टोटल, तो हम उसकी बात करते हैं, वो है 5। वो कितने हैं? 5। और वो लैंड लॉक कौन कौन से हैं? तो पहला देखो ध्यान से, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा हरियाणा। पहला कौन सा है? हरियाणा लैंड लॉक्ड है। कैसे है लैंड लॉक? ऊपर पंजाब आ जाता है, नीचे राजस्थान आ जाता है, तो ना तो ये टेरेस्ट्रियल बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है, TRIL टेरेस्ट्रियल, और ना ये कोस्टल बाउंड्री शेयर कर रहा है। बात समझ गए? हाँ, लेकिन भारत के अंदर ये अन्य राज्यों से बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखो दोनों बाउंड्री नहीं कर रहा। पहला हो गया हरियाणा, दूसरा अगर आप मैप में देखोगे तो ये MP नजर आ रहा होगा आपको, तीसरा अगर आप ढंग से देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है आपको, फिर चौथा ये तेलंगाना हो जाएगा, चौथा कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा।
यहाँ देखो ध्यान से, झारखंड भी इसी के अंदर आता है। झारखंड के आगे देखो वेस्ट बंगाल आ जाता है, फिर पीछे छत्तीसगढ़, नीचे उड़ीसा और ऊपर पटना बिहार आ जाता है, तो फिर ये बाउंड्री शेयर नहीं कर पाता है। तो ऐसे पांच ही भारत के ऐसे राज्य हैं जो कि किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाते हैं। उसमें नाम आता है हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का और तेलंगाना का। तो अब यहाँ ध्यान से देखो कि भाई भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। तब तो मैंने कह दिया 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? 9। लेकिन जैसे ही मैंने पूछा कि स्थलीय सीमा कितने बनाते हैं, मैंने आपसे पूछा स्थलीय सीमा कितने बनाते हैं, तो स्थलीय सीमा भारत के कितने राज्य, हाउ मेनी स्टेट जो है वो आपके टेरेस्ट्रियल बॉर्डर शेयर करते हैं, कितने? तो अब सर ने कहा, आपने कहा सर ऐसा कैसे बताएं हम, गिने बैठ के सर, पंजाब, राजस्थान, फिर पता नहीं, फिर पता नहीं। तो इतना लॉजिक नहीं लगाना है, ध्यान से देखो, छोटे मोटे लॉजिक लगाने। नंबर ऑफ स्टेट कितने? 28। मैंने पूछी है टेरेस्ट्रियल बाउंड्री यानी स्थलीय सीमा, तो इस 28 राज्यों के अंदर, इन 28 राज्यों के अंदर हम पहले तो क्या माइनस करेंगे, पहले माइनस करेंगे ये 9 स्टेट, ये 9 स्टेट। क्यों ये क्यों माइनस किए? क्योंकि ये कैसी सीमा बना रहे हैं? तटीय सीमा बना रहे हैं। तो इसमें से जैसे ही हमने 9 घटाया तो हमारे पास कितना आ गया? 19। कितना आ गया? 19। अब 19 घटाने के बाद में हम पांच वो स्टेट घटा देंगे जो कि किसी प्रकार की बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये 5 भी तो माइनस होंगे क्या? हाँ सर बिल्कुल होंगे, 5 माइनस। तो इस 19 में से हमने जब 5 घटाया तब अपने पास कितना आया? 14। कितना आया? 14। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? ऐसा नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गुजरात जो है ये पाकिस्तान के साथ में टेरेस्ट्रियल बॉर्डर भी शेयर कर रहा है और ये जो है कोस्टल बॉर्डर भी शेयर कर रहा है। वहीं बात करें तो यहाँ जो ये आपके जो वेस्ट बंगाल आता है ये जो है टेरेस्ट्रियल बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है? बांग्लादेश के साथ। और ये जल से भी सीमा बना रहा है कि? हाँ सर बना रहा है। तो ये दोनों स्टेट इसमें से माइनस होंगे कि नहीं होंगे? 14 में से माइनस क्यों होंगे? क्योंकि भाई ये दोनों तरह की बॉर्डर बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्थलीय सीमा की, किसकी बात कर रहे हैं? स्थलीय की। तो ये जलीय भी बना रहे हैं साथ साथ में, तो इसमें से ये दो सॉरी माइनस क्या होंगे? दोनों जुड़ जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16। भाई अपन बात कर रहे हैं स्थलीय की, तो स्थलीय बना रहा है बिल्कुल, ये बना रहा है, ये बना रहा है, तो ये दोनों जुड़ गए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हो जाएंगे जो कि टेरिस्टियल बॉर्डर शेयर करते हैं? 16। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कितनी यूनियन टेरिटरी अपनी टेरिस्टियल बॉर्डर जो है शेयर करती है, टेरिस्टियल बॉर्डर, तो वो दो हो जाएगी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। बात समझ में आई? हर चीज मैप में लिखी हुई है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस मैप देखो सारे काम हो जाएंगे। मैंने एक भी चीज मैप से बाहर अभी आपको बताई नहीं है। तो अब वापस लिखने का समय आ गया भाई, अपन चीजें लिखेंगे तो लिखने के साथ ही हमको याद होती चलेगी। तो अब अपन लिखते हैं भारत की तटीय सीमा, स्थलीय सीमा। तो यहाँ देखो सबसे पहले बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा हम बात किसकी कर रहे हैं? भारत की स्थलीय सीमा की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? टेरेस्ट्रियल बाउंड्री। ये कितनी हो जाती है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। फिर बात करें तो भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री ये हो जाती है कितनी? 6100, 6100 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 6100 किलोमीटर। फिर बात करें तो भारत की तटीय सीमा द्वीपों सहित, आइलैंड विद आइलैंड, भारत की तटीय सीमा द्वीपों सहित, इंडिया कोस्टल बाउंड्री विद आइलैंड, विद आइलैंड द्वीपों सहित। तो द्वीपों सहित ये कितनी हो जाती है? तो द्वीपों सहित ये हो जाती है आपकी कितनी? 7,516.6 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। घबरा मत जाना, पॉइंटों में इतना अंतर चलता है, आटे में नमक बराबर झूठ चलता है, लेकिन ज्यादा नहीं।
फिर इसके बाद में देखो ये जो तटीय सीमा है ये भारत के कितने राज्य बनाते हैं? 9 राज्य। तो हम लिख सकते हैं भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं भारत के 9 राज्य कैसे सीमा बनाते हैं? तटीय सीमा। बात करें तो अगली सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा कोस्टल बाउंड्री सबसे लंबी किसकी है? तो ये हो जाएगी गुजरात की, इसकी हो जाएगी गुजरात की। अगर पूछ ले सर एक नंबर पे तो सबको पता होता है, दो तीन पूछ लिया तो गुजरात, गुजरात से कम जस्ट कम किसकी है? आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से जस्ट कम किसकी है? तमिलनाडु की। और फिर इसके बाद में महाराष्ट्र का नाम आता है। वहीं अगर बात करें सबसे छोटी तटीय सीमा, सबसे छोटी तटीय सीमा ये बनाता है गोवा। कौन बनाता है? गोवा। कि सर कितनी बनाता है, कितनी रहने दो, कितनी कभी नहीं पूछी जाती है, बस ये पूछा जाता है बनाता है कि नहीं बनाता है। फिर इसके बाद में देखो अगला आता है आप लोगों के लिए, भारत के 5 राज्य ना तो तटीय सीमा बनाते हैं, या अपन यूं कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं ना जली, ना जली। और ये 5 कौन से हो जाते हैं? तो 5ों के नाम मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला हो जाता है वो हरियाणा, HR 26 हरियाणा, हरियाणा के बाद दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा हो जाता है MP मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद तीसरा कौन सा हो जाता है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में चौथा कौन सा हो जाता है? झारखंड, झारखंड, और झारखंड के बाद 5वां कौन सा हो जाता है? तेलंगाना, तेलंगाना। क्लियर है? ये 5 स्टेट ऐसे हो जाते हैं जो कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। नोट डाल के कौन सी बात लिखनी है कि गुजरात, गुजरात व पश्चिम बंगाल, गुजरात व पश्चिम बंगाल जलीय व स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं, जलीय व स्थलीय, जलीय व स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं, दोनों सीमा बनाते हैं। दोनों सीमा बनाते हैं गुजरात और पश्चिम बंगाल, जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो हमने अब तक जो देखा, जो मैप में हमने चीज समझी, ठीक है, एक सेकंड, मैप में आगे समझी, हाँ, यहां तक जो चीज समझी है वो सारी चीज हमने अपनी नोटबुक में लिख ली है, और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपने भारत के छोटे बड़े राज्यों की, कि भाई एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा स्टेट कौन सा है। ठीक है, अब अपन इसकी बात करते हैं। चलो पहले आप ये लिख लो थोड़ा सा, जिस किसी ने नहीं लिखा हो तो, फिर अपन इससे आगे चलते हैं।
है, यहां देखो बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य और छोटे राज्य, बड़े राज्य और छोटे राज्य, छोटे राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य कौन से हैं? तो बड़े राज्यों में नाम आता है राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में सबसे बड़ा है। फिर दूसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, और चौथा कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्लियर है। वहीं छोटे राज्यों की बात करें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा से जस्ट बड़ा कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम से जस्ट बड़ा कौन सा है? त्रिपुरा, त्रिपुरा, और त्रिपुरा से जस्ट बड़ा कौन सा है? नागालैंड, नागा। ठीक है, यहां तक की बात जो है अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसको भी लिख लो एक बार। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर हमने ये देख लिया बड़े राज्य कौन से और छोटे राज्य कौन से। इसके बाद देखो हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर छोटे जिले और बड़े जिले। क्षेत्रफल के आधार पर के आधार पर छोटे भारत के, भारत के छोटे जिले और बड़े जिले, बिग डिस्ट्रिक्ट और स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, बड़े जिले और छोटे जिले, छोटे जिले। हम बात कर रहे हैं बड़े जिले की, हम बात कर रहे हैं छोटे जिले की। बड़े जिलों में कौन है? सबसे बड़ा जिला है वो है राजस्थान का ही, ठीक है, सॉरी राजस्थान का नहीं है, गुजरात का है, कच्छ। कच्छ के बाद में आता है लेह, फिर उसके बाद में आता है जैसलमेर, और फिर आता है बाड़मेर। फिर क्या आता है? बाड़मेर। वहीं बात करें सबसे छोटे जिले की तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। क्लियर हो गया, क्षेत्रफल के आधार पर बड़े जिले और क्षेत्रफल के आधार पर छोटे जिले। अब बात करते हैं कि भाई हमने जो है भारत के छोटे बड़े जिले देख लिए, भारत का विस्तार देख लिया, भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु देख लिए, कर्क रेखा देख ली, फिर हमने ये भारत की मानक समय रेखा देख ली। अब देखते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो इंडिया किस किस के साथ शेयर करता है। तो यहाँ देखो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये अगले मैप में आपको जो है, हाँ यहाँ इस मैप में आपको अच्छे से दिख जाएगा। यहां देखो ठीक है, इंडिया जो है वो कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, किस किस के साथ शेयर करता है? टेरेस्ट्रियल बॉर्डर की अपन बात कर रहे हैं, स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। तो भारत टोटल नंबर ऑफ कितने आपने ऐसी कंट्रीज है जिसके साथ भारत जो है टेरेस्ट्रियल बॉर्डर शेयर करता है? तो देखो पहला है पाकिस्तान, इसको तो ना जाने उतना ही अच्छा है, वैसे अब बचा ही क्या है इसमें। ठीक है, यहां देखो तो पहला कौन सा हो जाता है? पाकिस्तान, फिर आता है अफगानिस्तान दो, फिर यहां देखो नेपाल तीन, चाइना चार, म्यांमार पांच, बांग्लादेश छह, बांग्लादेश छह, छह ही है देखो ध्यान से, और एक ये भूटान सात।
ठीक है, इतना अंदर तक भूटान आया हुआ है कि कभी कभी अपना ही लगता है। चलो यहाँ देखो, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी हो गई, 7, जिनके साथ अपनी क्या है टेरेस्ट्रियल बॉर्डर अपन शेयर करते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ श्रीलंका भी तो है। श्रीलंका के साथ हम जलीय सीमा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। हम बात स्थलीय सीमा की कर रहे हैं जो कि भारत 7 राज्यों के साथ बनाता है, सॉरी 7 आपके जो है कंट्रीज के साथ शेयर करता है। तो अपन यहां लिख सकते हैं भारत 7, भारत भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है, बनाता है। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, और ये 7 देश कौन कौन से हैं? मेरे ख्याल से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने वाला क्रम आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, जैसे आपने ये ट्रिक भी कई जगह पढ़ी होगी, बचपन से एमबीए, बचपन से एमबीए। मेरा क्या सपना था कि मैं बचपन से क्या करूं, एमबीए करूं। मेरा सपना तो नहीं था, लेकिन ऐसा सपना होता है। याद रखने के लिए क्या, भारत सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ। तो ये देखो बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है चीन, चीन के बाद में अगले नंबर पर आता है पाकिस्तान। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, सबसे ज्यादा किसके साथ, फिर उसके उससे कम, उससे कम, फिर न से हो जाएगा नेपाल, फिर एम से हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ए से क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। ए से क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो भारत जो है इन 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। दिमाग में आ रहा होगा सर नंबर भी बता दो साथ साथ में, वैसे नंबर कहीं नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी 40.4 किलोमीटर, फिर चीन के साथ में हम बनाते हैं 3488 किलोमीटर की सीमा, फिर पाकिस्तान के साथ बनाते हैं 3310 या 3323, दोनों में से कोई एक आंकड़ा आएगा। फिर इसके बाद में देखो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, फिर म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, फिर भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, और वहीं अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। पहले इसकी जगह आंकड़ा कौन सा चल रहा था, आंकड़ा चल रहा था आपके 96 का, लेकिन अब उसको बदलकर 106 कर लीजिए। तो ये भारत 7 देशों के साथ क्या बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा। इससे आगे की चर्चा जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक आपको पढ़कर कैसा लगा इसके बारे में भी मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद सभी को।